तो एपिसोड 33 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। ये दोनों इनर स्टेन के लाइट है जो दरवाजे को गार्ड कर रहे हैं। आप ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए ना, क्योंकि लिन जाओ लू फैमिली जो हमारे टाइम का नंबर वन मार्शल आर्ट फैमिली है, चेन बोलता है लू फैमिली क्या ये वही लू फैमिली है। गार्ड बोलता है आप जिन फैमिली के जिन हो ना आप जा सकते हो। वो दोनों चैन को रोक देता है, बोलता है हे मिस्टर मुझे माफ करना लेकिन अंदर में प्राइवेट गैदरिंग हो रहा है तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। चैन बोलता है मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट गैदरिंग में आया हूँ। जिन अपने मन में बोलता है चलो देखते हैं चैन क्या कर सकता है। तभी यंजू वहाँ पर आ जाती है, बोलती है हे चैन फैन। चैन अपने मन में बोलता है सही में ये लिंजाओ बहुत ही ज्यादा छोटा जगह है। जाओ बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है मैं यहाँ पर गैदरिंग में जुड़ने आया हूँ। यंजू बोलती है गैदरिंग सही में तुम्हें यहाँ पर आने में बहुत ही मुसीबत हो गया होगा ना। फिर वो गार्ड को बोलती है हेलो अंकल ये लोग मेरा दोस्त है इसे भी अंदर आने दीजिए। गार्ड बोलता है मुझे माफ करिएगा मिस ये प्राइवेट गैदरिंग है। यंजू बोलती है मेरा पापा जिक्सॉन है मैं लू फैमिली से हूँ। वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो लू फैमिली से है। गार्ड बोलता है जबकि तुम लोग लू फैमिली से हो तुम दोनों अंदर जा सकते हो लेकिन ये लड़का नहीं जा सकता है। तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे यंजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यंजू बोलती है यहाँ पर मेरा दोस्त मिल गया था। वो लड़का बोलता है जाओ पहले मेरे दादा से मिलो फिर अपने दोस्त से मिलते रहना। फिर यंजू वो लड़की के साथ अंदर चल जाती है। चैन गार्ड को बोलता है क्या हम लोग अंदर जाए। गार्ड बोलता है तुम अंदर जा सकते हो अगर तुम इस पर हमला करके हमें ताकत दिखाओ अपना। तभी टॉक्सन उस पर हमला करता है। गार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कितना ताकतवर है। हाँ तुम लोग अंदर जा सकते हो पहले अपना नाम बताओ। चैन बोलता है मैं हूँ जू स्टेट का जैन बैक्सियन और ये मेरा चेला टॉक्सन है। जिन बोलता है ये मार्शल आर्ट गैदरिंग आधे महीने तक चलता है। पहला 10 दिन एक्सचेंज एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन बांटा जाता है और साथ ही साथ पैनेसिया और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भी। चैन बोलता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी है। जिंग बोलता है हाँ बिल्कुल ये इसके लिए अल्केमी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। हम लड़ाकू इसका इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम लोग ये दुनिया में इन्हें रजिस्टर्ड मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग का बात स्टार्ट होता है पैसे और बिजनेस से। तभी एक लड़का बोलता है हे जिन तुम किसके साथ आए हो ये कोई बॉक्सर नहीं लग रहा है। जिन बोलता है हे सुन अच्छा होगा कि तुम संभल कर रहो ये चैन बैक्सियन है और इसका पीछे इसका साइड किक है टॉक्सन। सुन बोलता है जू स्ट्रेट मैं वहाँ पर किसी को जानता हूँ उसका नाम शायद गोवा है ना। चैन बोलता है मास्टर गो हाँ मैं जानता हूँ मैं ये भी सुना हूँ कि वहाँ पर जांगमी में एक मास्टर चैन है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सुन बोलता है बकवास तुम मास्टर चैन के बारे में बात कर रहे हो वो शायद 20 साल का बच्चा ही होगा वो क्या ही कर लेगा। चैन अपने मन में बोलता है इन लोगों को नहीं पता कि ये लोग मास्टर चैन के सामने खड़ा है। ली फैमिली और मेडिसिन गॉड के लोग यहाँ पर है। तभी एक आदमी बोलता है सभी का स्वागत है यह मार्शल आर्ट गैदरिंग में लू फैमिली का इजिन और वैली मेडिसिन गॉड का जिंगी दोनों यहाँ पर है। तभी एक आदमी बोलता है मुझे कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा गहरा चोट लग गया था ब्रदर ली क्या आप मेरा इलाज कर सकते हो क्या। दूसरा आदमी बोलता है मेरे पास लिंगजी ग्रेट जेड पिल है वैली मेडिसिन गॉड मुझे आपकी जरूरत है इसे रिफाइन करने के लिए। तभी चैन अपने मन में बोलता है लगता है कि मुझे इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ करना होगा। फिर वो अपने पीछे लिख देता है मेरे पास 1000 साल पुराना जड़ी बूटी एसेंस और पोटेंट आइटम भी है और मैं बॉडी हार्डनिंग पिल को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये देखकर सब लोग वहाँ पर आने लग जाते हैं। तभी सुन चैन को बोलता है क्या तुम्हारे पास पैनेसिया है क्या। चैन बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत ही ज्यादा बॉडी हार्डनिंग पिल है ये पूरी तरह पैनेसिया ही तरह दिखता है मुझे नहीं पता कि पैनेसिया कैसा होता है लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। इजन चैन को बोलता है क्या मैं तुम्हारा टैबलेट को देख सकता हूँ। चैन बोलता है हाँ क्यों नहीं ये लो। इजन इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो टॉप ग्रेड का पैनेसिया है और ये साथ ही साथ बॉडी हार्डनिंग प्रॉपर्टी भी इसके अंदर अगर कोई एक्सपर्ट के हाथ में लग जाएगा तो मुझे लगता है कि वो आउटर और इनर लिमिट को पूरी तरह बढ़ा सकता है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है तुम्हारे पास कितने टैबलेट है मैं इन सभी को खरीदूंगा वो भी 1 लाख में। दूसरा आदमी बोलता है बकवास बंद करो तुम इतना टॉप ग्रेड बॉडी हार्डनिंग पैनेसिया को 1 लाख में खरीदोगे मैं इसे 3 लाख में खरीदूंगा। तीसरा आदमी बोलता है 500,000 वो भी 1 का। चैन बोलता है ये बॉडी हार्डनिंग पिल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और ये दोनों मामले में बहुत ही अच्छा काम करता है। तभी एक टकला वहाँ पर आ जाता है बोलता है 1 मिलियन मैं एक टैबलेट का 1 मिलियन दूंगा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई दे पाएगा यहाँ पर। फिर वो चैन को बोलता है तुम्हारे पास कितने बॉडी हार्डनिंग पिल है मैं ये सभी खरीदूंगा। चैन बोलता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास 1000 साल पुराना गिनचेक है तो ये बॉडी हार्डनिंग पिल तुम्हारा होगा। तभी इजिंग बोलता है हमारे ली फैमिली के पास है लेकिन वो हमारे फैमिली का बहुत ही ज्यादा महंगा सामान है हमें सुने का कोई अधिकार नहीं है अगर तुम ये बॉडी हार्डनिंग पिल का रेसिपी मुझे बता दोगे
फिर शायद कुछ हो सकता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये बॉडी हार्डनिंग पिल का रेसिपी मैंने मिलिट्री जोन को दिया है और ये एकदम टॉप सीक्रेट है, मैं इसे बता नहीं सकता हूँ। चैन बोलता है, ये पिल का रेसिपी मैंने किसी और को पहले ही बता दिया है। इजिक बोलता है, फिर क्या ही कर सकते हैं। चैन बोलता है, क्या मैं इसे पैसे से खरीद सकता हूँ क्या। हिजिक हंसते हुए बोलता है, ये 1000 साल पुराना जड़ी बूटी है, अगर तुम क्लाइंट लीडर नहीं होगे तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये पूछने का। और उसके अलावा तुम कितने दोगे, 10 बिलियन 20 बिलियन, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैन बोलता है, मैं तो बॉडी हार्डनिंग पिल का रेसिपी बता नहीं सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे पास इस तरह का पेनिसिया का रेसिपी है। वो दोनों ये पिल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैन बोलता है, ये स्मॉल फाउंडेशन पिल है, इससे हर तरह का बीमारी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ इसे खाने से जिंदगी भी बढ़ जाएगा। जो बॉक्सर लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घाव को ठीक करने के लिए और इससे उनका ताकत भी बढ़ जाएगा। इजिक बोलते हैं, ठीक है मुझे देखने दो। इजिक वो पिल को हाथ में लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये पिल तो पूरी तरह अनोखा है और ये तरह का पिल बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है जिससे जिंदगी बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। तभी इजिक बोलती है, सही में ये पिल बहुत ही बेहतर है, क्या मुझे ये फॉर्मूला बेचोगे। हमारे मेडिसिन गॉड वैली के पास भी 1000 साल पुराना जड़ी बूटी है, हमारे पास बहुत है तो हमें कोई इस बात का कमी नहीं है। तभी इजिक बोलता है, हे जिन, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं पहले यहाँ पर आया था और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये फॉर्मूला मुझे देगा। जिन अपने मन में बोलता है, सही में ये बच्चे का पास बहुत ही अच्छा चीज है। चैन बोलता है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला तुम्हारा है लेकिन मुझे पहले रिफाइन करना होगा क्योंकि तुमसे होने वाला नहीं है। इजिक बोलता है, क्या आप सही बोल रहे हो। तभी जिन बोलती है, तो तुम रिफाइन भी कर सकते हो, क्या आप रिफाइनिंग मास्टर हो क्या। चैन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। इजिक बोलता है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो फिर ली फैमिली आपके साथ ये सौदा करना चाहता है और आपको ली फैमिली के गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। जिन बोलती है, वैले मेडिसिन गॉड भी आपको बुलाना चाहता है। तभी एक आदमी बोलता है, अगर मैं वहाँ पर जा पाता तो मैं बॉक्सिंग दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ मुझे पता है ये दोनों फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बोलता है, हे ब्रदर चैन, अगर तुम लू फैमिली के गेस्ट बनोगे तो लू फैमिली तुम्हें 5% शेयर देगा और साथ ही साथ लू फैमिली का हेड तुम्हें 3 बार बचाएगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, लू फैमिली इनका तो कंट्रोल लिखजाओ में पूरा है, 5% इक्वल तो बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाएगा और हमारे दौर का ये सबसे अच्छा महान मास्टर है। इजिक अपने मन में बोलता है, लू फैमिली का कंडीशन बहुत ही बेहतर है। जिक बोलती है, हम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लू चैन को बोलता है, मुझे लगता है कि तुम बेहतर डिसीजन लोगे। चैन बोलता है, मुझे सिर्फ 1000 साल पुराना जड़ी बूटी चाहिए और मैं कोई क्लाइंट में जाना नहीं चाहता हूँ। सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, यह लड़का सही में पागल है, सही में इसके पास बहुत ही ज्यादा दम है कि इसने लू फैमिली के ऑफर को मना कर दिया। लू अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन फिर भी लू फैमिली का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। वो दोनों बोलते हैं, तो ऐसी बात है, हम लोग भी चलते हैं फिर। और अपने मन में बोलते हैं, सही में ये फॉर्मूला बेकार हो गया। चैन उन दोनों पर जादू कर देता है और अपने मन में बोलता है, जबकि मुझे पता है कि ये जड़ी बूटी कहाँ पर है, मैं लोगों पर निशान छोड़ दे रहा हूँ और फिर मैं वहाँ पर जाकर जड़ी बूटी ले लूंगा। मैं इन लोगों को इतना अच्छा प्यार से बोला लेकिन ये लोग मेरे बात नहीं माना। तभी एक लड़का चैन को बोलता है, सही में तुम इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लू फैमिली को इसी तरह मना कर दोगे। दूसरा आदमी बोलता है, तुम बहुत ही कमजोर दिख रहे हो और तुम्हारे पास इतना महंगा दवाई है, तुम्हें क्या लगता है लू फैमिली तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। चैन बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को आने दो, वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर चैन अपने रूम में चल जाता है। येंजू बोलती है, आखिरकार तुम लोग आ गए। जाओ बोलती है, हम लोग तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे, हमें कितना भूख लगा है। चैन बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। यंजू बोलती है, मैं देखने आई थी कि तुम जिंदा हो कि नहीं। जाओ बोलती है, यंजू ऐसे ही दिखा रही है लेकिन इसे तुम्हारी बहुत ही देर से चिंता हो रही थी। यंजू सिला के बोलती है, हे जाओ क्या बकरी हो तुम। जाओ बोलती है, मुझे माफ करना। ठीक है चलो चलते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है। चैन अपने मन में बोलता है, ये लड़की बाहर से बहुत ही गुस्सा करती है लेकिन ये दिल की बहुत ही अच्छी है,